हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। दोस्तों, इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर कश्मीर महाजनी बहुत जल्द ही आपको नज़र आने वाले हैं एक बहुत ही बड़े एकता कपूर के सीरियल में नज़र। जी हाँ, एकता कपूर लेकर आ रही हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक सीरियल जिसका नाम है इश्क में घायल। ऐसे में कश्मीर महाजनी शो शुरू होने से पहले ही क्यों कर रहे हैं उसे छोड़ने की बात? आखिर क्यों हो चुके हैं वो करण और रीम से परेशान? जी हाँ, ऐसी क्या बातें बोली हैं कश्मीर महाजनी ने मीडिया वालों से, जिसके बाद कहीं ना कहीं साफ तौर से नज़र आता है कि यहाँ पर कश्मीर महाजनी अपने नए सीरियल को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर महाजनी करण कुंद्रा और रीम शेख का आने वाला है सीरियल इश्क में घायल, जिसमें कश्मीर महाजनी 150 साल से जी रहे एक वेयरवुल्फ का किरदार निभाएंगे। ऐसे में वो अपने कैरेक्टर को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि शो को मिल रही नेगेटिव ट्रोलिंग पर उनके क्या जवाब है और साथ ही साथ करण कुंद्रा और रीम शेख को लेकर वो क्या कहेंगे, तब इसमें कश्मीर महाजनी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब आप पूरे मेहनत से लगन से कोई काम करो तो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस आपको नेगेटिव फील कराए। जब आप कोई काम सही से करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन मुझे हमेशा ही ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया है। इसी के साथ साथ करण और रीम शेख पर बोलते हैं, यहाँ पर कश्मीर की मैं सेट पर सबसे ज़्यादा जूनियर हूँ। रीम शेख पिछले 12 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है और करण पिछले 7 सालों से, और मुझे तो बहुत ही कम वक्त हुआ है, तो यानी कि सबसे जूनियर तो शो में मैं ही हूँ। करण कुंद्रा के साथ अभी मेरे 4 सीन हुए हैं, लेकिन आगे अभी काम देखना बाकी है कि हम दोनों के बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग बनती है। आप क्या कहेंगे, हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।